हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मैथ्स और मैथ्स पैडागोजी का पोर्शन कवर कर रहे हैं। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। इसमें हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज जो जो भी पॉइंट्स इसके बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। कल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि भिन्न को हम दशमलव के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं या फिर दशमलव के रूप में लिखी हुई संख्या को हम भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखते हैं। आज हम देखेंगे कि आवर्त दशमलव क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आवर्त दशमलव को हम भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखेंगे ये आज हमें सीखना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आवर्त दशमलव कहलाता क्या है। आवर्त का मतलब बार बार, रिपीट होना, पुनरावृत्ति होना, बार बार किसी चीज का होना, वो क्या कहलाता है? आवर्त। और दशमलव आप सभी जानते ही हैं। तो दशमलव वाली ऐसी संख्या जिसमें कोई अंक बार बार रिपीट होता है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो इस प्रकार के दशमलव को क्या बोला जाता है? आवर्त दशमलव। जैसे कि आपको 20 में 6 का भाग करना है, 6 का भाग करना है हमें कितने में? 20 में। तो 6 का भाग 20 में सबसे पहले 3 बार जाएगा तो यहां आएगा 18, और 20 में से हम 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 2। अब ये 2 जो है 6 से छोटा है, तो जब हम यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका? दशमलव। अब 6 में फिर से हम 20 में 6 का भाग हम 20 में करेंगे तो कितने बार जाएगा आपका? 3 बार। फिर से हमें क्या मिलेगा? 18। फिर से हम 20 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 2। फिर से वही प्रोसेस, हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा आगे? 0। 6 में 6 का 20 में भाग फिर से कितने बार जाएगा आपका? 3 बार, तो यहां मिलेगा हमें 18। फिर से 2 शेषफल बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो एक बार फिर से यहां 3 आएगा। ये प्रोसेस बार 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 होती रहेगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दशमलव के रूप में कि 3.3 बार, या 3.3 का ऊपर ये हम एक बिंदु टाइप का रख देते हैं, इसको बोला जाता है बार। इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद जो अंक है 3.3.3.3 वो खत्म नहीं हो रहा है, वो बार बार आ रहा है, अनंत बार आएगा ये आपका। तो इसको हम बार बार तो नहीं लिख सकते हैं, अनंत बार नहीं लिख सकते हैं, तो जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है उस अंक के ऊपर हम ये चिन्ह लगा देते हैं या फिर ये बिंदु रख देते हैं, इसका मतलब होता है बार। जिस अंक के ऊपर ये बिंदु रखा होता है उसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो दशमलव के रूप में ऐसी संख्या जिसका बार बार पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार रिपीट होती है, उस दशमलव को क्या बोला जाता है? आवर्त दशमलव। अब ये जो आवर्त दशमलव होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शुद्ध आवर्त दशमलव और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। पहला होगा आपका शुद्ध आवर्त दशमलव और आपका दूसरा होगा अशुद्ध आवर्त, अशुद्ध नहीं बोला जाता, मिश्रित आवर्त दशमलव। तो शुद्ध आवर्त दशमलव क्या कहलाता है? दशमलव के बाद पूरी की पूरी संख्या अगर रिपीट होती है तो उसको बोला जाता है शुद्ध आवर्त दशमलव। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया 0.27 बार, तो 27 पे पूरे पे बार लगा हुआ है, मतलब कि दशमलव के बाद वाली पूरी संख्या बार बार रिपीट होगी। इसको अगर हम विस्तार के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिखा जाएगा 27 27 27, और यही प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद अगर पूरी संख्या रिपीट होती है, पूरी संख्या पे बार लगा हुआ है, तो इस प्रकार के दशमलव को क्या बोला जाता है? शुद्ध आवर्त दशमलव। दूसरा होता है आपका मिश्रित आवर्त दशमलव। मिश्रित का मतलब मिला जुला, मतलब दशमलव के बाद जो संख्या होगी उसमें कुछ अंक ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट नहीं होंगे और उन पर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ होगा, और कुछ अंक ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होगी उस पर बार का इस तरह से चिन्ह लगा हुआ होगा। इस प्रकार मिले जुले रूप में जो दशमलव संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है? मिश्रित आवर्त दशमलव। जैसे कि हमने लिख दिया 0.231 और 3.1 पे लगा हुआ है बार। इसका मतलब है कि ये जो 2 है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, केवल ये 31 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम विस्तार के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा 0.0, क्योंकि 2 पे बार नहीं लगा तो 2 बार बार नहीं आएगा आपका, 2 एक बार ही आएगा। इसके बाद 31 पे बार लगा हुआ है तो 31 बार बार आएगा, ये चलता रहेगा आपका। तो आप लोग समझ गए होंगे
अगर दशमलव के बाद पूरी संख्या रिपीट होती है तो वो होता है शुद्ध आवर्त दशमलव। अगर दशमलव के बाद पूरी संख्या रिपीट नहीं होती है, कुछ अंक रिपीट होते हैं कुछ अंक रिपीट नहीं होते हैं, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? आपकी मिश्रित आवर्त दशमलव। तो अब हमें यह सीखना है कि हम आवर्त दशमलव के रूप में, यानी कि शुद्ध आवर्त या मिश्रित आवर्त के रूप में जो संख्या लिखी हुई है, इसको हम भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदलें। तो आपको अच्छे से समझना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले हम देख लेते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। शुद्ध आवर्त दशमलव को हम भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदलेंगे? जैसे कि अपने पास में लिखा हुआ है 0.27 और उस पर लगा हुआ है बार, इसको हमें दशमलव के, इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है। ध्यान से समझना, जितने अंकों पे बार लगा हुआ है, सबसे पहले तो इसको हटा दिया जाएगा, आपको दशमलव को हटा दिया जाएगा और इस बार को हटा दिया जाएगा, जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को लिख दिया जाएगा, और बटे में क्या किया जाएगा, जितने अंकों पर बार लगा है, जितने अंकों पर बार लगा है उतनी ही संख्या में आप बटे में 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर कितने अंकों पर बार लगा हुआ है? 2, एक अंक ये है और एक अंक ये है, 2 अंकों पे आपका बार लगा हुआ है, तो 2 बार क्या लिख दिया जाएगा? 9 लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका भिन्न के रूप में मान। बिल्कुल सिंपल है ना। दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो पूरी लिख दी जाती है, दशमलव हटा दिया जाता है। अब जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतनी बार क्या लिख दिया जाता है? 9 लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम शुद्ध आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लें। जैसे कि ये लिखा हुआ है 0.3 बार, इसको हमें दशमलव के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले दशमलव हटा दिया जाएगा, 3 का बार हटा दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा? 3, और बटे में कितने अंकों पर बार लगा हुआ है? केवल एक ही अंक है जिस पर बार लगा हुआ है, तो एक बार क्या लिख दिया जाएगा? 9 लिख दिया जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ 3/9। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ऊपर भी 3 से भाग जा रहा है और नीचे भी 3 से भाग जा रहा है, तो 3 का 3 में भाग जाएगा आपका एक बार और 3 से 9 में भाग जाएगा आपका 3 बार, यानी कि 0.3 बार का भिन्न के रूप में हमें क्या मान प्राप्त होता है? 1/3। तो आपको नियम याद रखना है कि शुद्ध आवर्त दशमलव के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है उसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले दशमलव हटा देना है, बार लगा हुआ है वो हटा देना है, संख्या लिख देनी है, जितने अंकों पर बार लगा हुआ है हमें हर में उतने ही बार क्या लिख देना है? 9 लिख देना है। आपको नोट डाउन करते चलना है, पेन कॉपी के माध्यम से नोट्स बनाते चलना है, जिससे कि आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने में ज़्यादा समस्या ना आए, कम टाइम में आप अपना रिवीजन कर सकें। तो जो मैं यहाँ आपको रूल्स बता रहा हूँ वो आपको नोट करते चलना है, जिससे कि आपको परीक्षा के समय सुविधा रहेगी। तो ये हुआ शुद्ध आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है, अब देखते हैं हम मिश्रित आवर्त दशमलव को हम भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदलते हैं। मिश्रित आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना, जैसे कि लिखा हुआ है 0.32 और 2 पे लगा हुआ है बार, ये मिश्रित आवर्त दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पे बार नहीं लगा हुआ है और एक अंक बार बार रिपीट हो रही है और इस पर बार लगा हुआ है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम दशमलव भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? तो आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले हमें दशमलव हटा देना है, पूरी की पूरी संख्या लिख लेना है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है? दशमलव हटा देना है, जो संख्या दशमलव के बाद लिखी हुई है वो हमें पूरी की पूरी संख्या लिख देना है। इसके बाद क्या करना है? आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उतनी संख्या हमें यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि 3 पे बार नहीं लगा हुआ है तो माइनस के बाद हमें 3 लिख लेना है,
और बटे में क्या करना है, जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखा जाता है। तो यहां पर कितने अंकों पर बार लगा हुआ है आपका, एक ही अंक पर बार लगा है तो एक बार 9 लिखा जाएगा, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है उतने बार क्या लिख दिया जाएगा, 0। तो एक अंक है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 0। 32 में से हमने 3 माइनस किया तो हमें मिला 29, और बटे में लिखा हुआ है 90। हमारा ये हो जाएगा इस भिन्न का दशमलव का भिन्न के रूप में मान। एक बार दोबारा आपको समझना है, अगर मिश्रित आवर्त दशमलव के रूप में कोई भिन्न है तो पहले तो दशमलव हटा देना है, बार हटा देना है, पूरी की पूरी हमें संख्या लिख लेना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है। जितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ, जितनी संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है वो संख्या हमें घटा देना है। तो वो हमने ले ली, यहाँ पर 3 पर बार नहीं लगा हुआ है तो 3 लिख दिया, और बटे में जितने अंकों पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखना है, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है उतनी बार हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ 29/90। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 29/90। इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है। सबसे पहले क्या करना है, दशमलव हटा देना है, पूरी की पूरी हमें संख्या लिख लेना है, फिर चिन्ह लगाना है माइनस का। अब जितनी संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है वो हमें घटा देना है, तो हम कितना घटा देंगे इसमें से, 23 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 23 क्या कर देंगे, घटा देंगे, और बटे में जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखना है। तो केवल एक अंक है जिस पर बार लगा है तो वहां क्या लिख दिया जाएगा आपका, 9, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है उतने बार हमें क्या लिख देना है, 0। तो यहाँ पर 23 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 बार हम क्या लिख देंगे, 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 11 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8, 3 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0, और 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है। इसको चाहें तो हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ऊपर भी हमारा 4 से भाग जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी, 4 से क्यों जा रहा है, अंत में 2 जीरो हो तो 4 से भाग जाता है, अंत के 2 अंकों में 4 से भाग जाए तो 2 से भाग चला जाता है, तो 2 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो हम 4 से यहाँ पर भाग कर दें, 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 एक बचा, आगे 0 हो गया 10, तो 4 × 2 = 8 बचा 2, आगे 0 हो गया 20, 4 × 5 = 20। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हुआ 52/225। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2.3162 और 62 पे क्या लगा हुआ है, बार। तो सबसे पहली बात तो 2 जो है वो दशमलव के पहले है तो 2 को हम अलग कर लें, ठीक है ना। अब दशमलव के बाद पहले कुछ नहीं बचा तो उसको हम क्या लिख दें, 0 लिख देते हैं, और आगे की संख्या 31/62, दशमलव के पहले जो अंक है उसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे। अब दशमलव के पहले का अंक लिख चुका है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0, और दशमलव के बाद ये लिखा हुआ है आपका। अब हमें दशमलव को भिन्न में बदलना है तो हम दशमलव हटा देंगे, पूरी की पूरी संख्या लिख लेंगे और फिर लगाएंगे माइनस का चिन्ह। अब बिना बार में कौन सी संख्या लिखी हुई है, 31, तो 31 क्या कर दिया जाएगा आपका, घटा दिया जाएगा, और बटे में जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतनी जगह 9 लिखा जाता है तो 2 बार 9 लिखा जाएगा, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है उतने बार 0 लिखा जाता है तो 2 बार क्या लिख दिया जाएगा, 0। तो 2+ ये 2 में से 1 माइनस किया बचा 1, 6 में से 3 माइनस किया 3, और 31 का 31 ही आएगा, और नीचे लिखा हुआ है 99/00। अब प्लस की जगह हम इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 2 = 31/99/00। हम चाहें तो मिश्र भिन्न को पूर्ण भिन्न में बदल सकते हैं, बीच वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा कर देंगे और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे तो वो उतना अंश में आ जाएगा और हर में ज्यों का त्यों रहेगा, तो हम इसको पूर्ण भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमें दशमलव वाले सवालों को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दावली को हम यहाँ पर समझ लें। जैसे कि ये लिखा हुआ है 2.5, यहाँ पर बार नहीं लगा हुआ है तो इसको बोला जाता है शांत दशमलव। इसको क्या बोला जाता है आपका, शांत दशमलव, यानी कि इसमें दशमलव के बाद वाली संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, बार नहीं लगा हुआ है, तो ये दशमलव कौन सा कहलाता है, शांत दशमलव, या अपन
अपने रूप में अगर याद रखना चाहे तो शांत यानी क्या होता है, जो शांत हो चुका हो। तो ये जो पांच है वो शांत हो चुका है, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार का दशमलव क्या कहलाता है, शांत दशमलव, जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है। अगर हमने लिख दिया 2.5 बार, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, ये कहलाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती मतलब बार बार, दशमलव के बाद वाली संख्या बार बार आ रही है, ठीक है ना, दशमलव के बाद वाली संख्या बार बार आ रही है तो ये अशांत है, और आवर्ती भी है क्योंकि वे बार बार आ रहा है पाँच। अगर हमने लिख दिया 2.1515111511115, इस तरह से चल रही है, तो इस संख्या पर हम बार लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 आया, फिर 115 आया, यहाँ पर 1115 आया, फिर 11115 आया, यानी कि पूरी की पूरी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या पाँच बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसको हम लिख सकते थे 2.5555, इस तरह से, तो पाँच बार बार रिपीट हो रहा था तो पाँच पे बार लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई पार्टिकुलर अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम बार के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो दशमलव होता है वो कहलाता है आपका अशांत अनावर्ती दशमलव, अनवसारी भी बोला जाता है इसको, अशांत आवर्ती या अशांत अनवसारी दशमलव। आप लोग समझ चुके होंगे, जो दशमलव वाली संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है वो कहलाता है शांत दशमलव, दशमलव के बाद वाली संख्या अगर पूरी तरह से रिपीट होती है तो वो बोला जाता है अशांत आवर्ती। अगर पूरी की पूरी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो पाती है लेकिन कोई ना कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो इस प्रकार की संख्या कहलाती है आपकी अशांत अनावर्ती या अशांत अनावसानी दशमलव। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 1.7 बार प्लस 2.98 बार, इन दोनों को जोड़ना है, तो हम सबसे पहले इन दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलेंगे। ये एक अलग कर लिया, और एक चूंकि दशमलव के पहले था अलग हो चुका, तो जीरो आएगा दशमलव के बाद, दशमलव के पहले 7 बार। दो को अलग कर लिया, 0.98। अगर दशमलव के पहले कोई अंक है तो उसको हमें बिल्कुल अलग कर देना है, जैसे कि हमने ये कर दिया, और दशमलव के पहले क्या ले लेना है, 0। और यहाँ भी यही प्रोसेस की हमने, ये दशम बिना बार वाले हम साथ में लिख लेंगे, 1+2 कितना हो जाएगा आपका 3, और ये है 0.7 बार 0.98 बार 3+। इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका, दशमलव हटा दिया जाएगा 7, और कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, एक ही अंक पर बार लगा है, तो 1 बार 9 आ जाएगा आपका। ये शुद्ध आवर्त दशमलव है, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 9, 8 आएगा, ये मिश्रित आवर्त दशमलव है तो यहाँ माइनस लगेगा, और बिना बार में जो संख्या लिखी है वो घटा दी जाती है, तो 9 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 9 घटा दिया जाएगा, और कितने अंकों पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा 9, और कितने अंकों पर बार नहीं लगा है तो ये भी एक है, तो उतने बार क्या लिखा जाएगा आपका 0। 3+7/9 प्लस 98 में से हम 9 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 89, और बटे में कितना लिखा हुआ है आपका 90। इन तीनों का हम LCM ले लेंगे, जो आएगा आपका 90, 90 का 3 में गुणा 270, 9 का यहाँ बटे में कुछ नहीं था इसलिए बटे वाली जो ऊपर वाली संख्या उसमें LCM वाली संख्या का गुणा हो जाता है, 9 का 90 में भाग जाएगा 10 बार, 10 का 7 में गुणा आएगा आपका 70, यहाँ 90 से 90 कट जाएगा आपका आएगा 89। इस तरीके से इन तीनों का जोड़ क्या प्राप्त होगा आपका, 0, 0, 9 का आएगा 9, 7, 7, 14, 14 और 8, 22, 22 का आएगा आपका 2, हासिल मिला आपको 2, 2 और 2, 4, यहाँ तीसरा अंक नहीं है तो 4 का 4 आएगा, और बटे में लिखा हुआ है 90। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को हमें भिन्न के रूप में किस प्रकार से हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इस टॉपिक का हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने दशमलव के प्रकार समझे थे, उसमें एक प्रकार था आपका सतत भिन्न, सतत भिन्न।
कुछ कमेंट्स आए हैं, उसमें पूछा गया है कि सतत भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं इस टॉपिक में हम दोबारा। सतत भिन्न कौन सी कहलाती जिसमें एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न हो और दूसरी भिन्न के बटे में तीसरी भिन्न हो, ये क्रम चलता रहे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, बार बार भिन्न हमें प्राप्त होती रहे, तो वो क्या भिन्न कहलाती है आपकी? सतत भिन्न। जैसे कि हमने लिख दिया एक प्लस एक बटे तीन प्लस दो बटे पाँच प्लस एक बटे तीन, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ एक भिन्न है, उसके बटे में ये दूसरी भिन्न है, उसके बटे में तीसरी भिन्न है, तो कंटिन्यू एक भिन्नों की यहाँ पर श्रृंखला प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार की भिन्न को क्या बोला जाता है? सतत भिन्न। इसको हमें बिल्कुल निचले स्तर से, जमीनी स्तर से सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम क्या आएगा आपका, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, यहाँ तीन है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा तीन। अब बटे में कुछ ना हो तो एलसीएम वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिया जाता है, तो तीन का पाँच में गुणा आएगा आपका पंद्रह, तीन से तीन कैंसिल, बचा एक, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक प्लस एक बटे तीन प्लस दो बटे पंद्रह और एक सोलह, सोलह बटे तीन, ये सोलह बटे तीन हम गुणा में लाएंगे तो ये पलट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तीन बटे सोलह हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में ये दो तो ठीक है, सोलह बटे तीन भाग में है, गुणा में लाएंगे तो ये तीन बटे सोलह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तीन दूना छः, या अपन एक काम करते हैं दो से सोलह को काट दें तो ये कटेगा आठ बार आपका, तो ये आपका बचा तीन बटे आठ। फिर से वही प्रोसेस, इनका एलसीएम आठ आएगा आपका, आठ का तीन में गुणा चौबीस, प्लस आठ से आठ कैंसिल हो गया, बचा आपका तीन, एक प्लस एक बटे चौबीस और तीन सत्ताईस बटे आठ, ये सत्ताईस बटे आठ गुणा में लाएंगे हम तो आठ बटे सत्ताईस हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम मिलेगा हमें सत्ताईस, सत्ताईस का एक में गुणा सत्ताईस, सत्ताईस से सत्ताईस कैंसिल आठ, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, सत्ताईस और आठ आपका हो जाएगा पैंतीस और बटे में है सत्ताईस, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो सतत भिन्न को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर आते हुए हमें इस भिन्न को सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं हम समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न कौन कहलाती है? जिनका ऐसी भिन्न जिनका अनुपात समान हो, ऐसी भिन्न जिनका अनुपात समान हो उसको क्या बोला जाता है आपका? समतुल्य भिन्न। अच्छा, समतुल्य भिन्न बनाते कैसे हैं? जैसे कि हमारे पास एक भिन्न लिखी हुई है दो बटे पांच, इसके समतुल्य दूसरी भिन्न प्राप्त करना है, तो हम एक जैसी संख्या से गुणा भाग करेंगे अंश और हर में, तो हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हम यहां पर मान लीजिए तीन से गुणा करते हैं, तो तीन से ही क्या करेंगे, भाग, अंश में और हर में तीन से गुणा कर दिया, तो तीन दूना ये कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, छः और ती पाँचे पंद्रह, तो दो बटे पाँच के समतुल्य हमें एक भिन्न प्राप्त हो गई छः बटे पंद्रह। दो बटे पाँच के समतुल्य भिन्न कौन सी प्राप्त हो गई हमें? छः बटे पंद्रह, इनका अनुपात समान होगा। एक और भिन्न हमें इसी के समतुल्य चाहिए है, तो फिर से हम कोई और संख्या से गुणा कर लें, एक जैसी संख्या से ही हम गुणा और भाग करते हैं, जैसे कि मान लिया हमने 9 से यहाँ गुणा किया और 9 से ही हर में, तो 9 दूना 18 प्राप्त हुआ और 9 का 5 में गुणा 45, तो ये एक और भिन्न इसी के समतुल्य हमें प्राप्त हो गई 18 बटे 45। अब ये समतुल्य क्यों है? क्योंकि इनका अनुपात कैसा होगा आपका? समान होगा। कैसे? इनको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, हमें अनुपात बराबर मिलेगा, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पहले से सॉल्व है, यहाँ पर तीन से भाग जा रहा है, यहाँ भी तीन से भाग जा रहा है, तीन दूना छः, ती पाँचे पंद्रह, यहाँ नौ से भाग जा रहा है और यहाँ भी नौ से, नौ दूना अठारह, नौ का पैंतालीस में पाँच बार, तो हमें प्राप्त हुआ दो बटे पाँच अनुपात दो बटे पाँच अनुपात दो बटे पाँच, यानी कि एक समान अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार की भिन्न को क्या बोला जाता है आपका? समतुल्य भिन्न। भिन्न को समतुल्य कैसे बनाते हैं? अंश और हर में एक जैसी संख्या से क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है, तो समतुल्य भिन्न हमें प्राप्त होती है। इस तरह से भिन्न से संबंधित जो जो भी सिलेबस में हमें दिया गया है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है दो सही एक बटे दो का, तीन सही पांच बटे दो प्लस आठ सही तीन बटे दो का,
सात सही, सात बटे दो। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें आसानी से ये सॉल्व कर लेना है। पहले हम मिश्र भिन्न को पूर्ण भिन्न में बदलेंगे, दो दूना चार और एक पांच बटे दो, का मतलब होता है गुणा, तीन दूना छः, छः और पांच 11 बटे दो, प्लस का प्लस, 8 दूना 16 और 3 19 बटे दो, का की जगह आएगा आपका गुणा, 7 दूना 14 और 14 और 7 21 बटे दो। ये अंश का अंश में गुणा कर लें क्योंकि कट तो रहे नहीं है कहीं पे कुछ, तो अंश का अंश में गुणा कर लिया जाएगा, हर का हर में, 11 का 5 में 55 और बटे में आएगा आपका 4, 19 का 21 में करना तो 19 एकम 19 का 9 हासिल 1, 19 दूना 38 और 1 39 और 2 का 2 में गुणा 4। अब इन दोनों का लघुत्तम, हर समान है तो लघुत्तम वही आ जाएगा, 4 से 4 कट गए आपका बचा 55, 4 से 4 कट गए आपका बचा 399। इन दोनों को जोड़ लें, 5 और 9 14 का 4 हासिल 1, 5 और 14 और 1 15 का 5 हासिल फिर से 1, 3 और यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो हासिल बस जुड़ेगा इसमें 3 और 1 4 बटे में आपका है 4। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर भी 2 से भाग जा रहा है और नीचे भी, तो 2 दूना 4, ऊपर 2 दूना 4, 2 दूना 4 बचा 1, आगे है 4 हो गए 14, 2 सत्ते 14, तो हमें प्राप्त हुआ 227 बटे 2। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो सही एक बटा दो प्लस पांच सही तीन बटा दो माइनस एक सही एक बटा दो प्लस तीन सही तीन बटा दो। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो मिश्र भिन्न को हम पूर्ण भिन्न में बदलें, दो दूना चार और एक पांच बटे दो, पांच दूना 10 और तीन 13 बटे दो, माइनस एक का दो में गुणा दो प्लस एक तीन बटे दो, तीन दूना छः और तीन 9 बटे दो, इनका एलसीएम 2 आएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल बचा 5, 2 से 2 कैंसिल बचा 13, माइनस यहाँ एलसीएम भी आपका 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल 9, 13 और 5 18 बटे 2, 9 और 3 12 बटे 2, 2 से 18 कटेगा 9 बार, 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो 9 माइनस 6 यानी कि आंसर हो जाएगा अपना 3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा फ्रैक्शन का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।